हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोरियन ड्रामा स्वीट रिवेंज 2 के एपिसोड 11 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। कांगडोंग सना, जिना, जेई और रॉबिन को बस स्टॉप से पिक करने आता है। सना कांगडोंग के साथ आगे वाली सीट पर बैठती है। जेई, जिना और रॉबिन बैक सीट पर बैठते हैं। गिजुन सोनी को सरप्राइज पिकनिक पर लेकर आता है। गिजुन को कॉल आता है तो वो कॉल पिक करने साइड में आ जाता है। गिजुन को सीरियस देखकर सोनी पूछती है कि क्या बात है। गिजुन बताता है कि उसकी कंपनी फ्रेंच कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने वाली है, पर उनके पास इन्वेस्टमेंट कम पड़ रही है। गिजुन कहता है कि उनके पास और पैसा होता तो ये प्रोजेक्ट पक्का हिट हो जाता। सोनी पूछती है कि उसे कितने पैसों की ज़रूरत है, शायद वो हेल्प कर सके। गिजुन कहता है कि वो सोनी से कुछ छुपाना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उसे बता दिया है, ना कि उससे पैसे लेने के लिए, इसीलिए वो ऐसी बातें ना करे। जिना अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए उन्हें ट्रिप पर भेजने का प्लान बनाती है। जिना के पास उतने पैसे नहीं होते हैं तो वो बोरा से पार्ट टाइम जॉब के बारे में पूछती है। बोरा कहती है कि उसे एक जॉब के बारे में पता है जो उसे वीकेंड्स पर करना होगा और पैसे भी अच्छे मिलेंगे, पर काम थोड़ा भारी है। जेई रॉबिन को कचरा फेंकने को कहता है, पर रॉबिन नहीं जा रहा होता है तो जेई उसे गेम खेलने को कहता है। रॉबिन जीत जाता है तो कचरा जेई को फेंकना होता है। रॉबिन जेई के रूम में चार्जर लेने जाता है तो वो संता गेम वाला पेपर देख लेता है, जिस पर किसी लड़की ने लिखा होता है कि वो जेई को लाइक करती है। जेई जिना को मैसेज करता है और पूछता है कि वो क्या कर रही है। जिना कहती है कि वो वैकेशन में पार्ट टाइम जॉब करने वाली है। जेई पूछता है कि क्या वो भी पार्ट टाइम जॉब कर सकता है। जिना मान जाती है। जिना और सना घर आ रहे होते हैं तो वो सोनी को गिजुन के साथ देखते हैं। सना उनके पास जाकर पूछती है कि क्या वो सोनी का बॉयफ्रेंड है। गिजुन हाँ कहता है। गिजुन सना को पॉकेट मनी देता है। सना गिजुन से पूछती है कि क्या उसने सोनी को कभी ड्रंक देखा है। सोनी सना को वहाँ से ले जाती है। जिना गिजुन को किसी से प्यार से बात करते देख लेती है, पर वो इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करती है। यूनी एक कस्टमर को कांगडोंग से रूडली बात करते देखती है तो वो आकर उस कस्टमर को डांटती है और कांगडोंग को उसके सॉक्स वापस करके चली जाती है। जेई और जिना पार्ट टाइम जॉब करने आते हैं। दोनों को होटल में बर्तन साफ करने होते हैं। जॉब के बाद उन्हें उनकी पेमेंट मिलती है। वहाँ एक सुंदर सा मैरिज हॉल होता है तो दोनों अंदर आते हैं। जेई वहाँ पियानो देखकर पियानो बजाने लगता है। जिना जेई को कहती है कि वो हर चीज़ में बहुत ही परफेक्ट है। जेई कहता है कि बहुत सी चीज़ें हैं जो उसे नहीं आती हैं। गिजुन सोनी को एक बड़े से अपार्टमेंट में बुलाता है और उसे कहता है कि ये अपार्टमेंट उसने सोनी के साथ रहने के लिए ख़रीदा है। सोनी खुश हो जाती है। गिजुन को कॉल आ जाता है तो गिजुन कहता है कि वो अचानक से 200 मिलियन वॉन कहाँ से लाए। गिजुन कहता है कि उसे पता है कि इस इन्वेस्टमेंट से उसे बहुत फ़ायदा होगा, पर उसके पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। गिजुन कॉल कट कर देता है। सोनी कहती है कि अगर उसे पैसे इतने अर्जेंटली चाहिए तो वो हेल्प कर सकती है। गिजुन कहने लगता है कि वो उसकी हेल्प नहीं लेना चाहता है। सोनी कहती है कि वो उसे इन्वेस्टमेंट समझ के ले ले। गिजुन कहता है कि वो इस अपार्टमेंट को ही बेच देगा ताकि उसके पास पैसे आ जाएं। सोनी कहती है कि ये उनका पहला घर है जहां वो साथ रहने वाले हैं, तो वो गिजुन को ऐसा नहीं करने देगी। सोनी कहती है कि वैसे भी शादी के बाद वो कैफ़े नहीं चलाएगी, तो वो उसका डिपॉजिट यूज़ करके पैसे उसे दे सकती है। गिजुन उसे हक करके कहता है कि वो उस पर भरोसा रखे और परेशान ना हो। रॉबिन सना को गोनू से बात करते सुनता है कि जिना का बर्थडे आने वाला है। गिजुन ड्रंक होकर एक लड़की को टच करने लगता है तो बार मैनेजर उसे सेक्सुअल असॉल्ट के कारण बाहर निकाल देता है। रॉबिन अपने कलीग से पूछता है कि वो कौन है। उसका कलीग उसे बताता है कि ये कस्टमर बार बार ड्रंक होकर वुमेंस को टच करता है। रॉबिन को उसका बॉस कहता है कि वो बहुत ही अच्छा डांस करता है, तो क्या वो आज की डांस पार्टी अटेंड कर सकता है। बॉस कहते हैं कि उसने कुछ डांसर्स को हायर किया था पर वो आए ही नहीं, और ये पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉबिन मना कर देता है। बॉस कहते हैं कि वो उसे 1 मिलियन वॉन का अवार्ड भी देंगे। रॉबिन मान जाता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि वो जिना के लिए सरप्राइज गिफ्ट खरीदना चाहता है। रॉबिन डांस पार्टी में डांस करने लगता है।
सोनी यूनी को कहती है कि किचुन ने उसके साथ रहने के लिए घर खरीदा है, तो वो घर का फर्नीचर खरीदना चाहती है। तो क्या वो उसे वो पैसे वापस दे सकती है जो उसने इस घर को खरीदने वक्त दिए थे? यूनी कहती है कि वो लोन लेने की कोशिश करेगी। सोनी कहती है कि वो किचुन के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती है, पर वो ऐसा कैफ़े बेचने के बाद करेगी। यूनी कहती है कि वो किचुन के बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट करेगी? यूनी कहती है कि ये फैसला उसे इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। सोनी कहती है कि किचुन ने सारे पैसे घर खरीदने में खर्च कर दिए हैं, इसीलिए वो उसकी हेल्प करना चाहती है। एक आदमी यूनी के ऑफिस आता है और सामने वाले कैफ़े की कीमत पूछता है। वो कैफ़े सोनी का होता है। पहले तो यूनी कहती है कि वो कैफ़े सेल के लिए नहीं है, पर फिर उसे याद आता है कि सनी कैफ़े बेचने वाली है। तो यूनी कहती है कि उस कैफ़े की कीमत लगभग 200 मिलियन वॉन है। यूनी कहती है कि डिटेल्स वो पूछकर बता देगी। अब यहाँ पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि गिजुन है। यूनी गिजुन को इसलिए नहीं पहचान पाती है क्योंकि उसने गिजुन को कभी देखा नहीं होता है रियल लाइफ में, सिर्फ उसके बारे में सोनी से सुना होता है। गिजुन के जाने के थोड़ी देर बाद ही सोनी यूनी के पास आती है। यूनी उसे गिजुन के बारे में बताती है। सोनी कहती है कि वो सोचकर बताएगी कि उसे कैफे बेचना है या नहीं। टीचर चोई और टीचर जोंगा कुछ महीनों से सीक्रेटली डेट कर रहे होते हैं और शादी के लिए पहले ही मैरिज हॉल देखने आए होते हैं उसी होटल में जहां जेई और जिना पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं। जेई और जिना ये देखकर चौंक जाते हैं। जिना कहती है कि शायद दोनों लड़ते लड़ते अटैच हो गए हैं। सोनी गिजुन को कहती है कि वो अपना अकाउंट नंबर दे क्योंकि पैसों का इंतज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है। गिजुन कहने लगता है कि उसने तो पहले ही कहा था कि वो सोनी के पैसे नहीं लेगा। सोनी कहती है कि वो सच में उसकी हेल्प करना चाहती है, तो गिजुन ये ना सोचे कि सोनी अपने पैसे दे रही है, वो ये सोचे कि सोनी अपना प्यार दे रही है उसे। गिजुन उसे थैंक्स कह के हक करता है। गिजुन सोनी को शादी के लिए प्रपोज करता है। सोनी खुश होकर रोने लगती है। तभी गिजुन को किसी लड़की का मैसेज आता है कि वो उसे मिस कर रही है। गिजुन बिजनेस का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। जिना गिजुन को किसी लड़की के साथ मैरिज हॉल देखने जाते देख लेती है। जब तक वो वहाँ जाती है तब तक गिजुन लिफ्ट में जाकर जा चुका होता है। जिना ये बात जेई को बताती है। जेई कहता है कि शायद जिना को धोखा हुआ है। सोनी घर आकर सबको बताती है कि गिजुन ने उसे डायमंड की रिंग दी है और प्रपोज भी किया है। जिना सोनी को गिजुन की पिक्चर दिखाने को कहती है। जिना फोटोज देखकर कहती है कि इसमें तो चेहरा ठीक से दिख ही नहीं रहा है। यूनी सोचती है कि गिजुन का चेहरा जाना पहचाना लग रहा है। सबके जाने के बाद जिना यूनी को गिजुन और दूसरी लड़की वाली बात बता देती है। यूनी कहती है कि ज़रूर जिना को देखने में धोखा हुआ होगा। सोनी गिजुन को शॉपिंग करने लाती है और कहती है कि उन्हें घर का सामान पहले ही खरीद लेना चाहिए। गिजुन कहता है कि सामान वो खुद खरीद लेगा, तो सोनी इस बारे में चिंता ना करे। गिजुन कॉल रिसीव करने चला जाता है तो सोनी उसकी पिक्चर्स क्लिक करती है। सोनी गिजुन के साथ वेडिंग ड्रेस भी ट्राई करने आती है। वहाँ की एम्प्लॉय अपने मन में सोचती है कि शायद गिजुन यहाँ पहले आ चुका है किसी और लड़की के साथ। जिना वेडिंग हॉल में गिजुन की रिजर्वेशन के बारे में पूछती है, पर एम्प्लॉय उसे कुछ नहीं बताती है। जिना यूनी के कैफे जाती है तो वहाँ सोनी के कहने पर रॉबिन एक दिन के लिए काम कर रहा होता है। सोनी जिना को गिजुन से मिलाती है तो उसे यकीन हो जाता है कि वेडिंग हॉल में उसने गिजुन को ही देखा था। गिजुन उसे पैसे देता है पर वो लेने से मना कर देती है। जिना वहाँ से चली जाती है। रॉबिन भी अपनी शिफ्ट पूरी करके उसके पीछे आता है। रॉबिन उससे पूछता है कि वो वहाँ से चली क्यों गई। जिना उसे सच बता देती है। रॉबिन कहता है कि उसने भी किचन को क्लब में देखा था। जिना की हेल्प करने के लिए जेई फिर से एम्प्लॉय के पास जाता है और उससे झूठ बोलकर किचन के बारे में पता लगा लेता है। जेई जिना को बताता है कि किचन सैटरडे को यहाँ पे 3 बजे एक लड़की के साथ शादी करने वाला है। जिना ये सुनकर गुस्सा होने लगती है। सोनी आज लोन लेने बैंक गई होती है तो जिना उसे कॉल करती है, पर सोनी बिजी होने के कारण कॉल कट कर देती है। दोनों दौड़कर बैंक आने लगते हैं। सोनी का लोन पास हो जाता है। सोनी गिजुन को पैसे ट्रांसफ़र करने वाली होती है, तभी वहाँ पे जिना आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। जिना उसे सब बता देती है तो सोनी रिंग चेक करवाने ज्वेलरी शॉप आती है। उसे वहाँ पे पता चलता है कि वो रिंग नकली है। सोनी को बहुत ज़्यादा शॉक लग जाता है। सोनी यूनी को सच बता देती है। यूनी उसे किचन को भूल जाने को कहती है। सोनी रोने लगती है और कहती है कि शायद उन्हें कोई धोखा हो रहा हो क्योंकि किचन ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो सच में उससे प्यार करता है। सोनी कहती है कि किचन ने तो उसके लिए घर भी खरीदा है।
यूनी जब पता करती है तो उसे पता चलता है कि किचुन ने अब तक वो घर खरीदा नहीं है क्योंकि वो घर बहुत महंगा है। यूनी कहती है कि उसने उसे जो घर के पेपर्स दिखाए थे वो झूठे थे। सोनी किचुन की फ़ोटो देखकर रोने लगती है। यूनी जब किचुन की फ़ोटो देखती है तो उसे पहचान जाती है। यूनी सनी को बता देती है कि उस दिन यही आदमी उसके कैफे के बारे में पूछ रहा था। यूनी कहती है कि किचुन ने उसे उसके पैसों के लिए प्यार करने का नाटक किया है। सोनी रोने लगती है और कहती है कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। जिना ये देखकर रोने लगती है और रिवेंज नोट में किचुन का नाम डाल देती है। किचुन के हाथ में उस वक्त उसका मोबाइल होता है जो कि उसके ऊपर गिर जाता है और उसे मैसेज आता है कि उसे रिवेंज का टारगेट चूज किया गया है। किचुन सोचता है कि उसकी कौन सी गर्लफ्रेंड उसे बदला ले रही है। किचुन एक लड़की से शादी करने आया होता है और वो वॉशरूम में आया होता है पर उसकी पैंट का जिप नहीं खुल रहा होता है तो वो पैंट में ही टॉयलेट कर देता है। सोनी उसे कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ है तो वो कहता है कि वो ऑफिस में है। तभी पीछे से सोनी और उसकी बाकी गर्लफ्रेंड्स आ जाती हैं। सब मिलकर किचुन को मारने लगते हैं। जिस लड़की से वो शादी करने वाला था वो लड़की उसके चेहरे पर मारती है। सभी लड़कियां उससे अपने पैसे मांगने लगती हैं। किचुन भागने लगता है तभी कांग डोंग उसे गिराकर मारने लगता है। कांग डोंग पुलिस को भी बुला लेता है तो पुलिस से उन्हें पता चलता है कि किचुन पहले 13 बार और फ्रॉड कर चुका है और जेल भी जा चुका है। जिना का बर्थडे होता है तो उसकी माँ सोनी को रोता देख कहती है कि वो लोग उसका बर्थडे बाद में सेलिब्रेट करेंगे। जिना कहती है कि उसे बस सोनी की चिंता हो रही है, वो अपना बर्थडे तो बाद में भी सेलिब्रेट कर सकती है। जिना को मैसेज आता है कि उसका रिवेंज कंप्लीट हो गया है। जेई जिना को बर्थडे सरप्राइज देता है और उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है क्योंकि उसे पता है कि जिना का ब्रेसलेट खो गया है। जिना कहती है कि ये तो बहुत महंगा लग रहा है। जेई कहता है कि ये महंगा नहीं है। जिना उसे थैंक्स कहती है। रॉबिन जिना के लिए गिफ्ट खरीद कर ला रहा होता है। जेई जिना को कहता है कि वो उसे लाइक करता है। रॉबिन ये सुन लेता है और उसे लगता है कि वो नोट जिना ने ही उसे लिखा था कि वो उसे लाइक करती है। अब स्टोरी पास्ट में जाती है। जिना का जंगल में ब्रेसलेट खो गया होता है तो रॉबिन कई स्टोर्स में जाकर वैसा ही ब्रेसलेट ढूंढता है और उसे खरीद लेता है ताकि वो जिना को गिफ्ट दे सके। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।